हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन पीपल आर नेशन greatest resources. Nature's boundary becomes significant only when the people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. So students, see here, human resources. तो human resources के कौन कौन हैं? एक तो performance करता है, training होता है, research, skill, employee, potential, leadership और रिक्रूटिंग, ये सारे जो हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द सेट ऑफ पीपल हु मेक अप द फोर्स वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्री और इकोनॉमी। अ नैरो कॉन्सेप्ट इज ह्यूमन कैपिटल, द नॉलेज विच द इंडिविजुअल्स एम्बॉडी। सिमिलर टर्म्स इंक्लूड मैन पावर, लेबर, पर्सनल, एसोसिएट्स और सिंपली पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ही वही होता है जिसमें बहुत सारे पीपल लोग होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्री। तो ये सारे इसमें अगर ह्यूमन नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। तो ये सेट ग्रुप ऑफ पीपल या सेट ऑफ पीपल को ही हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, जिसमें मैन पावर, लेबर, पर्सनल, एसोसिएट्स ये सारे लोग इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द स्प्रेड ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज़ वेयर पीपल लिव। मतलब जहाँ पे पीपल लिव रहते हैं हमारे वर्ल्ड में। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, यूजुअली 1 square kilometer, एंड कैन बी रिटर्न एज टोटल पॉपुलेशन लैंड एरिया। देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पीपल हैं, है ना, 1 square kilometer, उसको हम कैसे और शो कर सकते हैं टोटल पॉपुलेशन लैंड एरिया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें पीपल जो होते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहते हैं। मतलब कुछ लोग एशिया में रहते हैं, कुछ लोग यूरोप में, कुछ अफ्रीका, तो अलग अलग जगह पे पीपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। एक जगह पे तो नहीं रहते हैं, कुछ जगह पे कम, कुछ जगह पे ज़्यादा पीपल हैं, है ना। और तो 2 continents, एक एशिया और एक अफ्रीका, 2 continents में रहते हैं। और 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 countries। मतलब 60% ही पीपल हैं वो 10 countries में, और मोस्टली एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी में ये बता रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया और एक्सेप्शनल यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ टाइप नंबर डेंसिटी। इट इज़ फ्रिक्वेंटली अप्लाई टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द टाइम टू ह्यूमंस। इट इज़ अ की ज्योग्राफिकल टर्म्स। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल जो अर्थ सरफेस में रहते हैं, उसको हम पर स्क्वायर किलोमीटर से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड का 51% पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक पर्सन का हमारे वर्ल्ड में कितना एवरेज डेंसिटी है? 51 पर स्क्वायर किलोमीटर। और साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन का। मतलब एक पीपल का कितना जगह डेंसिटी रिक्वायर्ड है हमारे वर्ल्ड में। नेक्स्ट टॉपिक इज़, देखिए, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? क्लाइमेट, रिलीफ, सॉइल, रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है? तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट, पोलार रीजन ऑफ रशिया, कैनेडा एंड अंटार्कटिका। मतलब लोग अवॉइड करते हैं उस रीजन को जो बहुत ही गर्म और बहुत ही ठंडा होता है, जैसे कि सहारा डेजर्ट बहुत गर्म होता है, पोलार रीजन रशिया का, कैनेडा और अंटार्कटिका बहुत ही
ठंडा जगह है, तो इससे ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्लाइमेट इफेक्ट करता है। और वाटर, पीपल रेफर्स टू लिव इन द एरिया जहाँ पे फ्रेश पीपल कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे उसको पूरी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, पानी अवेलेबल होगा सफिशियंट तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा अपना लाइफ स्पेंड करने में, सॉइल रहेगा वहाँ का फर्टाइल तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे वो रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहेंगी जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होगी, क्योंकि अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो वो एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएंगे और उनको उस प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर मिनरल्स उनको अवेलेबल होगा, तो प्रॉपर मिनरल्स कहाँ कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर है, तो इसलिए साउथ अफ्रीका के जो मिडिल ईस्ट में है जो सेटलिंग ऑफ पीपल ज़्यादा है वहाँ पे, तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर इफेक्ट करता है। और एक फैक्टर क्या इफेक्ट करता है, सोशल फैक्टर्स है ना, तो ये सारे जो हैं फैक्टर जो है इस इफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जहाँ इसलिए उससे हम पॉपुलेशन जहाँ पे जो चीज़ प्रॉपर अवेलेबल है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है नहीं है तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम रहेगा। और सेकेंड क्या है, देखिए सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर में हमने पढ़ा कि प्रॉपर वाटर फैसिलिटी रहेगी, लैंड प्रॉपर रहेगा, सॉइल अच्छा रहेगा और क्लाइमेट अच्छा रहेगा। सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब मिनरल्स और अर्बनाइजेशन है ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक फैक्टर मतलब जिससे वो अपना दिनचर्या निर्वाह कर सकते हैं, प्रॉपर मिनरल रहेगा है ना, प्रॉपर वहाँ का अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल रहेगा तब तो वो वहाँ पे वर्क करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अर्न करेंगे और अपना लाइफस्टाइल को प्रॉपर कर पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इफ़ेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द एंड एंड द बिगनिंग ऑफ ए गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली वन पीरियड। पॉपुलेशन चेंज हैज़ टू कंपोनेंट, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज होता है जिसमें नंबर ऑफ लिव बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ। पॉपुलेशन चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, जो नंबर ऑफ बर्थ हो रहा है उससे हम डेथ रेट को माइनस करेंगे तो हमारा जो है पॉपुलेशन चेंज जो है वो निकल जाता है। मतलब इसमें द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेबल, इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन, दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अंटिल द 1800s द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टीडली बट स्लोली, लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वे आर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू, दिस वॉज देयर वेयर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, सफिशियंट फूड आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल पीपल, फार्मर्स वे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। एज अ रिजल्ट टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। मतलब यहाँ पे देखो ये बताया जा रहा है कि उस समय जो है बर्थ रेट तो होता था लेकिन वो जल्दी ख़त्म भी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता था, फूड नहीं दिया जाता था, तो इसके कारण वो बर्थ तो लेते थे लेकिन ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे। और 1804 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सबसे फिर धीरे धीरे सारे चीज़ों को इंक्रीज़ करते गया, फैसिलिटीज़ हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ और प्रॉपर फूड भी प्रोवाइड करते गए, तो 1804 में पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन तक पहुंच गया। और 155 लेटर 1959 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच टू 3 मिलियंस तक बिलियन तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि फिर धीरे धीरे सारे चीज़ का इंक्रीजमेंट होते गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ दिया गया, बच्चों को प्रॉपर फूड सप्लाइड करते गए, तो इससे वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करने लगे और इससे जो है वो जो है हमारा बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ होते गया। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो चेंज होते गया और धीरे धीरे इंप्रूव होते गया। देखिए पॉपुलेशन पिरामिड यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसमें कितना मेल और कितना फीमेल का ये पिरामिड है, तो कितना मेल है और कितना मिलियन और एज ग्रुप के हिसाब से कितना कितना दिया है यहाँ पे ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, तो पॉपुलेशन इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप ऑफ पीपल इन टर्म ऑफ फैक्टर्स, उनका एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड रिलेशन टू द हेड ऑफ हाउसहोल्ड। ऑफ दिस द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ एनी पॉपुलेशन आर मोस्टली वाइडली यूज्ड।
मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, उनका एक कैटेगरी बनाया जा रहा है ना, कि उनकी एज के हिसाब से, उनके मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको एक चीज़ बनाया जा रहा है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो कि कितना हमारे पास मेल है और कितना फीमेल है, और फिर कौन किस किस एज को बिलोंग करते हैं, उनका एजुकेशन क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकी इनकम क्या है, उनका हेल्थ कंडीशन। तो इस सारे चीज़ हम पॉपुलेशन कंपोजिशंस के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो पॉपुलेशन एंड टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, जैसे कि 5 to 9 years, 10 to 14 years, है ना। तो इस तरह से इनको एक पर्टिकुलर एज में डिवाइड करके फिर हम उसको पॉपुलेशन पिरामिड देखे उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, देखिए मेल कितने हैं, फीमेल है ना, पॉपुलेशन मिलियन में इसका इनका एज किस एज में कितना है और किस एज में कितना है, तो इस पिरामिड के थ्रू यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।